स्प्रिंग बूट फाइल अपलोड की स्थिति में अभी तक नहीं जाना था कि कैसे एक फाइल को हम टीवी में ना सेव करा के फोल्डर में सेव कराते। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट हमारा प्रीवियस वाला वीडियो का है, जहाँ पर एक डॉक्यूमेंट नाम की फोल्डर थी, इस फोल्डर में हम फाइल को सेव करा रहे थे। बट इस वीडियो हम जानने वाले कि कैसे एक फाइल को, इमेज को हम एक पर्टिकुलर डीवी में कैसे सेव कराएंगे, ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे अपने को डीवी में सेव कराना है। अभी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा इमेज था, फोल्डर था या कोई फाइल था, उस सारे सारे को हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम सेव कराते डॉक्यूमेंट। लेकिन अब हम इसको डाटाबेस में सेव कराएंगे। हमारा यहाँ पर एसक्यूएल योग ओपन कर लिया और यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर डीबीएफ फाइल डीबी, इसके अंदर एक टेबल क्रिएट होगा, उस टेबल के अंदर हम पूरे फाइल को सेव कराएंगे, इमेज को सेव कराएंगे। कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो हम आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ सिंपली फाइल पे आएंगे, देन यहाँ से हम सिंपली फाइल पे आने के बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू के बाद स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे सिंपली हिट कर देंगे और हम वेट करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर इंटरफेस को लोड होना जाए। यहां से हम इसका नाम दे देंगे SB2 फाइल अपलोड डीबी। ओके, क्योंकि डीबी अपलोड करना है इसलिए हम इसका डीबी नेम दिया। देन टाइप हमारा मेवन रहेगा, पैकेजिंग जार रहेगा, जावा वर्जन 17, लैंग्वेज हमने जावा सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप हम com.file.c हम दे दिया। देन यहां से आर्टिफैक्ट हमने ये नेम दे दिया और हमारा पैकेज ही नेम लिया गया। आर्टिफैक्ट ने मतलब क्या होता, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसका नेम होता है बेसिकली। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो हम डिपेंडेंसी सेलेक्ट करने वाले हैं वो हमारा सबसे पहले रहेगा वेब का रहेगा। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली स्प्रिंग वेब ले लेंगे। तो यहाँ से इसको नीचे ड्रॉप करेंगे और यहाँ से स्प्रिंग वेब ले लेंगे। स्प्रिंग वेब के बाद हम क्या करेंगे, हम बेकर में जो डीबी से करेंगे वो MySQL डीबी में करेंगे। तो यहाँ सिंपली MySQL ले लेंगे। देन यहाँ से हम JPA को सेलेक्ट कर लेंगे बेसिकली। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे JPA, स्प्रिंग डाटा JPA को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लेम्बो को यूज़ करेंगे गेटर सेटर सारे बॉयलर प्लेट कोड को अवॉइड करने के लिए। ओके, और यहाँ पर सिंपली फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने को केवल और केवल चार डिपेंडेंसीज को हमने अभी तक सेलेक्ट किया है। तो सिंपली इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और वेट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए। यहाँ पर जो हमारा कंटेंट लोड हुआ है केवल और केवल 80% ही अभी तक लोड हुआ है। हेलो, ओके, तो अब हम इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से एक्सटेंड करते हैं और इसके अंदर MySQL जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम सबसे पहले कोड को लिखते हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज यहाँ से नीचे आएंगे। ओके, और यहाँ से हमने MySQL रिलेटेड कोड दिया है। सबसे पहले कहा कि सर्वर डॉट पोर्ट, जो हमारा सर्वर स्टार्ट होना चाहिए 909 पोर्ट पर स्टार्ट होना चाहिए। स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स और ड्राइवर क्लास, हमने ड्राइवर क्लास का नेम दे दिया ये। देन URL हमने पास कर दिया और हमने डाटाबेस का नेम दिया फाइल डीबी। यूजर नेम हमने अपना पास कर दिया, अपने अकॉर्डिंग आप पास कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम JPA रिलेटेड हमने क्वेरी यूज किया, सो SQL ट्रू कर दिया, DDL auto हमने अपडेट कर दिया कि बाय द वे अगर हमारा टेबल क्रिएट ना हो तो ये सबसे पहले टेबल को क्रिएट करे, अगर कोई टेबल ऑलरेडी है तो एग्जिस्टिंग वन को यूज करे। देन हम डाटाबेस प्लेटफॉर्म org.dialect.mysql8direct को हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज रिलेटेड फाइल का कॉन्फिगरेशन था। ओके, तो कंट्रोल एस को हम सेव करते हैं और सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम एक एंटिटी को क्रिएट करते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर फाइल को सेव कराएंगे। ओके, तो यहाँ से इस पर मेन पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू पे आएंगे, सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे और क्लास पे आने के बाद सिंपली हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट जो हमारा क्लास है वो एंटिटी पैकेज के अंदर सिंपली बेसिकली रहना चाहिए। तो हमने एंटिटी को यहाँ से यूज़ कर लिया। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे प्राइवेट और यहाँ से ले लेंगे सिंपली लॉन्ग जो कि हमारा आईडी टाइप रहेगा। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग और हमारा यहाँ से नेम रहेगा बेसिकली। नेम के बाद सिंपली हम यूज़ करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, जो हमारा फाइल रहेगा या इमेज रहेगा वो किस टाइप का उसको दे देंगे बेसिकली यहाँ से। देन इसके बाद हम यूज़ क्या करेंगे कि जो हमारा फाइल सेव कराएंगे वो वाइट एरे में हमारा बेसिकली सेव होता है। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे प्राइवेट और यहाँ दे देंगे वाइट एरे और इसको हम दे देंगे एज ए कंटेंट, जो भी कंटेंट रहेगा वो इसमें सेव होगा। ओके, इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए एंटिटी मार्क करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे एंटिटी एनोटेशन का, जो आना चाहिए जकार्ता डॉट परसिस्टेंस से। देन इसके बाद हम सिंपली इस जो उसके क्लास के अंदर जो भी हमारे वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर को क्रिएट करते विद द हेल्प ऑफ लैम्बॉक। देन यहाँ से हम यूज करेंगे सिंपली @ सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे सेटर को भी, तो यहाँ से हम सेटर भी जनरेट कर दिए। अब इसके अंदर जो आईडी होगा वो एज ए प्राइमरी की जनरेट होना चाहिए, तो इसको एज ए मार्क करने के लिए प्राइमरी की यहाँ पर यूज करेंगे आईडी एनोटेशन, और ये जो आईडी होना चाहिए वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होना चाहिए जीपीए के द्वारा, ना कि हमें मैनुअली इसकी आईडी को सेट करें। तो यहाँ से सिंपली यूज करेंगे @ जनरेटेड वैल्यू को हम सिंपली यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू। इसके अंदर हम स्ट्रेटजी को पास कर देंगे, ये हमारा स्ट्रेटजी हो गया, और स्ट्रेटजी जो हमारा वो आइडेंटिटी टाइप का रहेगा।
जनरेशन टाइप। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एंटिटी क्लास को डिजाइन कर लिया। अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने एंटिटी क्लास को यहाँ से हमने जनरेट कर दिया। इस एंटिटी क्लास से करेस्पॉन्डिंग हम रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये मेन पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे। यहाँ से न्यू पे आने के बाद सिंपली हम इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे और इस इंटरफेस का हम लेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी हम सिंपली दे देंगे। ओके, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी हो गया, जो कि हमारा रेपो नाम की पर्टिकुलर पैकेज में होना चाहिए। और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे जेपीए रिपोजिटरी को सिंपली। तो यहाँ से आएंगे जेपीए रिपोजिटरी और इसके अंदर हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट एंटिटी को, डॉक्यूमेंट जो कॉम डॉट फाइल डॉट सीएम एंटिटी से आना चाहिए। और उसमें आईडी टाइप क्या हमारा है, लॉन्ग है, तो सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे लॉन्ग को। दैट्स इट, इतना अपना काम हो गया। तो इस तरीके से हमने रिकॉरस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी को भी क्रिएट कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, एक सर्विस क्लास को क्रिएट करेंगे। सर्विस क्लास में क्या होगा, बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, कैसे इस पर्टिकुलर जो फाइल यूजर अपने को देगा उसको डीबी में कैसे सेव करेंगे उसकी लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा मेन पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे और यहाँ क्लास पे कर देंगे। ओके, देन क्लास पे आने के बाद डॉक्यूमेंट सर्विस हम सिंपली यहाँ से इस क्लास का नेम देंगे और ये जो हमारा क्लास होना चाहिए वो सर्विस नाम की पैकेज के अंदर होना चाहिए। इस क्लास को एज ए सर्विस मार्क करने के लिए हम यूज करेंगे सर्विस एनोटेशन, जो कि आना स्प्रिंग ओआरजी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टूडियो टाइप से आना चाहिए। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी किया था उसको हम यहाँ पर ऑटो वायर कर लेंगे। तो प्राइवेट और यहाँ से हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी। तो डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी हमारा यहाँ से आ गया, देन इसको हम एज ए यहाँ से ऑटो वायर कर लेंगे। ओके, ये हमारा ऑटो वायर हो गया। अब हम क्या काम करने वाले, यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेथड लिखेंगे, जो मेथड क्या काम करेगा, हमारा डॉक्यूमेंट को सेव कराएगा। तो यहाँ से हम यूज करेंगे पब्लिक। ओके, जो हमारा रिटर्न टाइप रहेगा वो बेसिकली डॉक्यूमेंट ही रहेगा एंटिटी। देन यहाँ पर हम सिंपली यूज कर लेंगे सेव डॉक नाम की एक फाइल ले लेंगे और ये मेथड जो लेगा पैरामीटर एज ए मल्टी पार्ट हमारा आर्गुमेंट लेगा। ओके, तो मल्टी पार्ट फाइल ले लें और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे फाइल को। ओके, इतना हमारा काम हो गया। देन यहाँ से हम फाइल नेम ले लेंगे, तो हम सिंपली लेंगे फाइल नेम डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, गेट ओरिजिनल फाइल नेम और यहाँ से कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे इसका फाइल नेम। ये मल्टी पार्ट से जो हमारा फाइल अपलोड होगा उसका नेम क्या होगा वो हम एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लिए। ओके, देन हम यहाँ से क्या काम करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं। तो ये हमारा ट्राई कैच ब्लॉक हो गया कि बाय द वे अगर हम फाइल को सेव करा रहे हो तो उस समय में डॉक्यूमेंट जो हम सेव करा रहे हैं उसमें कोई एक्सेप्शन हैंडल जनरेट हो तो वो यहीं पर हैंडल हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक इक्वल टू न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो भी वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर सेव करेंगे, सेट करेंगे डॉक डॉट सेट नेम। नेम में क्या रहेगा, हमारा फाइल नेम रहेगा। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉक डॉट सेट, बेसिकली हमारा टाइप रहेगा। देन यहाँ से हम यूज करेंगे फाइल डॉट गेट कंटेंट टाइप, जिसका कंटेंट टाइप क्या है वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। देन क्या हमारा कंटेंट है, कंटेंट क्या है, वाइट एरे है हमारा, वाइट एरे टाइप का है। तो यहाँ लिखेंगे शॉर्ट सेट और यहाँ पर कंटेंट, जो कि क्या हमारा है, कंटेंट क्या हमारा वाइट एरे ले रहा है। तो वाइट एरे क्लिक फाइल से कैसे निकालेंगे, मल्टी पार्ट फाइल से, जिसके पास एक मेथड है जो क्या काम करता है, वाइट एरे अपने को रिटर्न कर देता है। लेकिन गेट वाइट से ये क्या रिटर्न करता है, वाइट एरे रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर फाइल को। अब हमने क्या काम किया, डॉक्यूमेंट में सारे नेम टाइप और कंटेंट भी सेट करा, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेव कराना है, सेव कराकर इसको रिटर्न भी कर देना। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न और यहाँ से हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी। डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी पास ऑलरेडी से एक मेथड है सेव करके, जो क्या काम कराता है, सेव करा देगा हमारा पर्टिकुलर फाइल को और उसको रिटर्न भी कर देता है। ओके, ये हमारा सेविंग सक्सेसफुली हो गया। इन केस अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गया तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ सिंपली थ्रो को सिंपली हम यूज करेंगे। तो थ्रो रहेगा इक्वल टू न्यू रन टाइम एक्सेप्शन को हम यहाँ से बेसिकली यूज करने वाले हैं, इस रन टाइम एक्सेप्शन को। ओके, और यहाँ से सिंपली इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप के मैसेज पास कर देते हैं, डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड, ऐसे करके हम सिंपली एक मैसेज पास कर दिए। ओके, एंड जो भी हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा उस एक्सेप्शन को भी यहाँ से थ्रो कर दिया, अपेंड कर दिए। तो इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट सर्विस हो गया। डॉक्यूमेंट सर्विस को तो इसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक ही लिखते हैं। हमने यहाँ पर बिजनेस को फाइल को कैसे सेव कराना है, जो हम फाइल भेजेंगे उसको कैसे हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया, उसके बाद उसको हम एंटर करा दें, उसके बाद सेव भी करा दिया। अब हम इसे करेस्पॉन्डिंग एक क्या काम करेंगे, एक कंट्रोलर फाइल क्रिएट करेंगे, क्लास करेंगे, जो क्या काम करेगा, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सर्विस को कॉल करेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को यहाँ से हम
क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस फाइल पे, यहाँ पे न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे आएंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, ओके, जो कि क्या हमारा रहेगा एक रेस्ट नाम की पैकेज में हम सिंपली इसको स्टोर कराएंगे। इस पर्टिकुलर क्लास के जो रेस्ट कंट्रोलर मार्क करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपली रेस्ट कंट्रोलर हम यूज करेंगे, रेस्ट कंट्रोलर, ओके। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सर्विस को ऑटो वाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस, देन यहाँ से यूज कर लेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस और इसको हम सिंपली यहाँ से ऑटो वायर कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऑटो वायर करते हैं, ओके। अब इसके अंदर एक हम मेथड क्रिएट करेंगे, जो भी हमारा यूजर क्या काम करेगा और फाइल भेजेगा उसको यहाँ से कैच करेगा और कैच करने के बाद ये सर्विस मेथड को प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पब्लिक, ओके। तो इसके लिए हमारा मेथड क्या रहेगा, पब्लिक, और इसके अंदर हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी और इसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप की डाटा को और यहाँ से हम दे देंगे सेव डॉक। और ये क्या जो डॉक्यूमेंट हमारा वो आता है वो रिक्वेस्ट फ्रॉम के फॉर्मेट में आएगा और जो रहेगा मल्टी पार्ट फाइल नाम की टाइप की ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ से हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट फ्रॉम, ओके, रिक्वेस्ट फ्रॉम को यूज करेंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे मल्टी पार्ट फाइल जो कि org.spring-framework.web.multipart रहना चाहिए और उसका नेम हम दे देंगे एज ए फाइल। अभी रिक्वेस्ट फ्रॉम में आएगा, इसके अंदर हम एक नेम पास करेंगे, वहाँ जब हम भी फाइल भेजें तो उसका एक नेम दे दे, तो यहाँ पर हम नेम उसका दे देते हैं एज ए डॉक, ओके। तो इस तरीके से हमारा ये नेम हो गया। इसके अंदर मेथड को ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं, इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ कि होल कोड आपको यहाँ पर एक सिंगल लाइन में समा जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ से पूरा हो गया। अब इसके अंदर लॉजिक लिखते हैं, जो इस पर्टिकुलर यहाँ से फाइल जो हम भेजेंगे ये कैच कर लेगा, कैच करके इस मल्टी पार्ट फाइल के अंदर स्टोर करा देगा। अब ये मल्टी पार्ट आ गया, अभी हमारा सर्विस मेथड है वो भी किस टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, मल्टी पार्ट फाइल कर रहा है। जब इसको कॉल करेंगे यहाँ से तो इसके अंदर ये चीज़ अपने को भेजना पड़ेगा, इसको हम कॉल करते थे, इसका पास ऑलरेडी हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है डॉक्यूमेंट सर्विस। तो यहाँ से हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस डॉट सेव डॉक कर देंगे और इसके अंदर हम फाइल को पार्स कर देंगे जो कि मल्टी पार्ट फाइल टाइप है, ओके। कॉलन लगाते हैं, कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं और उसको एज हम डॉक दे देते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया। देन अपने आप को रिटर्न कराना है, ओके, स्ट्रिंग टाइप को रिस्पॉन्स एंटिटी एज रिसीव्ड है। तो यहाँ से हम यूज करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी और यहाँ से इसको पास करते हैं डॉट ओके, यहाँ से हमारा रहेगा डॉट ओके को हम पास कर दिए और इसके अंदर डॉट बॉडी, बॉडी क्या रहेगा वो हमारा बेसिकली एक रहेगा मैसेज रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके, तो हमारा फुली आ गया। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से एक नेम को पास कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ से प्लस लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डॉक डॉट गेट नेम, तो उसका जो फाइल का नेम रहेगा वो नेम भी यहाँ से रिटर्न कर देगा और यहाँ से इसको हम कॉल लगा दें, ओके। तो यहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मैसेज भेज दिया। अभी हमारा यहाँ पर डाटा सेविंग हो रहा है तो यहाँ पर इसको हम देते हैं पोस्ट मैपिंग। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पोस्ट मैपिंग और इसके अंदर डबल कोट के अंदर स्लैश अपलोड हम पैरामीटर पास कर देते हैं अपलोड, डेट्स इतना अपने को कोडिंग करना है। ये जो हम जब एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो हमारा पोर्ट नंबर इस पर स्टार्ट होगा और सब उस पर एक टेबल को क्रिएट करेगा जिसका नाम रहेगा डॉक्यूमेंट। तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा एप्लीकेशन डॉट जावा पे आते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो रन है सिंपली यहाँ से हम स्प्रिंग बूट पर हिट करते हैं और हम वेट करते हैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए, ओके। तो इसको सबसे पहले हम लार्जर स्क्रीन पर करता हूँ जिसको प्रॉपर चीज़ें हम अपने को विजुअल होना चाहिए। तो प्लीज़ इसको सबसे पहले ऊपर ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने के बाद देखिए सबसे क्या काम किया, एक टेबल को क्रिएट किया, क्रिएट टेबल डॉक्यूमेंट टाइप और यहाँ पर क्या है बिग आईडी बिग इंट हो गया और इसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा आईडी, कंटेंट टाइप बेयर वाइंडी कर दिए ठीक है और नेम वेयर केयर दे दिया, टाइप हमारा वेयर केयर है और प्राइमरी की रहेगा, ओके। ये हमारा टेबल जनरेट हो गया। तो सबसे पहले चेक करते हैं डाटाबेस में टेबल आया है कि नहीं आया है, ओके। तो यहाँ से देखिए हमारा फाइल के अंदर एक ही भी टेबल है, ओके। जैन इसको रिफ्रेश यहाँ से करते हैं और देखिए डॉक्यूमेंट टाइप का आ गया हमारा टेबल जिसके आईडी कंटेंट नेम टाइप अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया 909 पोर्ट पे, ओके। तो यहाँ देखिए हम सिंपली लिखेंगे पोस्टमैन में आएंगे और यहाँ से लेंगे इसको पोस्ट एज ए पोस्ट टाइप रखेंगे तो यहाँ पर लेंगे http://localhost.909 पोर्ट नंबर, ओके। और यहाँ से अपने को एक फाइल को भेजना है रिक्वेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पर बॉडी को यूज करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म डाटा पे और इसके अंदर की क्या हम पास करेंगे डॉक टाइप पास करेंगे। डॉक क्यों पास करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आइए और जो इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर्म हमने यूज़ किया था
इसके अंदर हमने क्या नेम दिया है, उसी नेम को अपने को यहाँ से पास करना है। ये नेम क्या हमारा डॉग टाइप नेम है, यही नॉम नेम यहाँ से लेंगे और सिंपली आएंगे यहाँ पर और नेम पास कर देंगे एज ए डॉग। और यहाँ से टेक्स्ट ने अपने को फाइल भेजना है तो सिंपली यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेलेक्ट फाइल लिखा है और यहाँ से न्यू फाइल फ्रॉम लोकल सिस्टम कर देंगे और यहाँ से स्टूडेंट वन डाटा को सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा फाइल सिलेक्टेड हो गया, यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैसेज को वेट कर दें। तो देखिए हमारा एक इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है स्लैश पाथ पे, तो ऐसा क्यों आ रहा है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से आते हैं मैसेज को चेक करते हैं और देखिए तो मैसेज में हमारा क्या कह रहा है, इसके अंदर सबसे पहले इस मैसेज को हम पढ़ेंगे प्रॉपरली कि एक्सेप्शन क्यों जनरेट कर रहा है। कह रहा है MySQL डाटा ट्रंकेटेड डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम कंटेंट, जो हमारा यहाँ से कंटेंट टाइप का डाटा जनरेट हुआ ये बहुत मतलब प्रॉपर डाटा नहीं है। ओके, तो यहाँ से इसके चेक करते हैं डाटा को, उसको हम कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, इसको डाटा टाइप अपने को चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ से कॉपी डाटा यहाँ एक्सपोर्ट आ रहा है। ओके, देन डुप्लीकेट करेंट रो, सेव चेंजेस, कैंसिल चेंजेस, ग्रिड व्यू, फॉर्म व्यू करना है तो यहाँ से हो जाएगा। ओके, देन इसको हम सेलेक्ट करते हैं अल्टा टेबल में क्या आ रहा है अपने को, अल्टा टेबल करेंगे तो यहाँ कंटेंट टाइप ये हमारा ये आ रहा है। हम इसको ये ना रख कर सिंपली हम क्या काम करते हैं, किस टाइप रखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ से आएंगे, उसको ऊपर करेंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे लॉन्ग ब्लॉक को, हम सिंपली यूज कर लेंगे लॉन्ग ब्लॉक को। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इसको एज ए लॉन्ग ब्लॉक यूज ले लिए, देन इसको कंट्रोल एस से हम सेव कर लेते हैं। ओके, इस चीज़ को हम सेव करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से सेव करना है तो चलिए सेव कर लेते हैं। टेबल अल्टर सक्सेसफुली, इस तरीके से हमने टेबल कर, तो जब भी आप इसे चाहे तो क्वेरी की हेल्प से भी कर सकते हैं, इसको डाटा टाइप हमने चेंज कर दिया। ओके, देन यहाँ से हम आते हैं और इसको रिक्वेस्ट अगेन सेंड करते हैं और वेट करते हैं हमारा डाटा सक्सेसफुली। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, ओके ये हमारा हो गया। देन आते हैं इस पर्टिकुलर हम टेबल को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन टेबल पर आते हैं और टेबल के अंदर देखिए कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, डाटा अपने को प्रॉपर दिखना चाहिए। ये देखिए आ गया यहाँ पर, इस पर क्लिक किए तो यहाँ से आईडी वन आ गया, कंटेंट टाइप हमारा ये आ गया। ओके, और स्टूडेंट नेम डॉट वन एक्सेस था, टाइप जो हमने यहाँ दिया था वो हमारा टाइप आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट इमेज को हम पर्टिकुलर डीवी में सेव करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कैसे बेस ऑन आईडी पे अपने को इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे।